आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। देखो एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कुछ अमाउंट सेट असाइड कर देना, मतलब कि जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा, जो फंड बनाया होगा एक साल मेहनत करके, उसमें से कुछ अमाउंट सेट असाइड कर देना, अलग रख देना। अलग रखने से मतलब ये है कि जैसे पार्टनर ने कोई डीड बनाई होगी, उस डीड में लिखा होगा कि भाई ए को सैलरी देनी है, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या सभी पार्टनर्स को देना है, सी ने बहुत मेहनत की है फर्म की सेल बढ़ाने में, उसको सेल पर कमीशन देना है। तो इस तरह से सबका अपना अपना कुछ हक बनता है, तो वो हमने डीड में लिख दिया होगा, ठीक है। अब बात यह है कि जितना भी हमने फंड कमाया, मतलब प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट, क्योंकि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं, और जो नेट प्रॉफिट आता है वो ही हमारा मेन प्रॉफिट होता है, वही एक तरह से वो फंड है जो हमने एक साल मेहनत करके अर्न किया है। अब क्योंकि एक मालिक तो है नहीं, मालिक तो बहुत सारे हैं, तो जरूरी है कि सबने कुछ ना कुछ अपने तय किया होगा, डीड बनाया होगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम फंड में से अमाउंट सेट असाइड करते चले जाएंगे कि ठीक है 4,000 रुपए हमें सैलरी देनी है एको, तो वो सेट असाइड करो, उसको फंड से अलग कर दो, बाकी जो फंड बचा अब उसमें से हमें सी को कमीशन देना है वो सेट असाइड कर दो, मतलब उसको अलग रख दो। तो इस तरह से हम कुछ कुछ अमाउंट जो है जो डीड में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग सेट असाइड करते जाते हैं, मतलब अलग रखते जाते हैं, और जो बाद में बचता है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या इक्वली अगर डीड नहीं है तो बांट देते हैं। तो अब बात यह आती है कि हम ये बनाते कैसे हैं। देखो 11th क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसके बाद इससे हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट हम लेके आते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहां लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम यहां लिखते थे आपका सैलरी पेड डेबिट में, टू सैलरी पेड, टू रेंट पेड, टू आपका जो है कोई बैड डेट है, इस टाइप की चीजें। तो बात यह है कि ये सब क्या चीज है, ये सब है चार्ज। चार्ज क्या है, ये चार्ज का मतलब वो एक्सपेंस जो प्रॉफिट निकालने के लिए लेस करना बहुत जरूरी है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सबको लेस करे बगैर तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं। इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉसेस होते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, वो सारे चार्ज होते हैं, जब तक आप उन्हें लेस नहीं करोगे नेट प्रॉफिट आएगा ही नहीं। तो ये तो नेट प्रॉफिट है, इसे लाने के लिए हमें चार्जेस को पहले लेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, अगर एक पार्टनर होता तो सारा प्रॉफिट उसी की कैपिटल में जुड़ जाता जैसे हम पिछले साल में करते रहे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इस प्रॉफिट को बांटने वाले 2, 3, 4, 5 आदमी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, उन्होंने कोई ना कोई डीड बनाई होगी, इसलिए ये प्रॉफिट अब बटेगा। कैसे बटेगा, उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था, उसके बाद सारे चार्जेस लेस होके ये फिर हमारा नेट प्रॉफिट आया था, उसी तरह से ये नेट प्रॉफिट आगे जाता है, मतलब एक तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एक तरह से ये एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। खैर ये नेट प्रॉफिट जा रहा है आगे की तरफ, अब इसे हम लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। अब यहां से जो डीड बनी होगी उसके अकॉर्डिंग यहां पर अमाउंट सेट असाइड किए जाते रहेंगे। जैसे हम बोलेंगे ठीक है भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है भाई, ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, जो भी अमाउंट है, मान लो 40,000, 20,000, 10,000, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट कमाया, मान लो 4,00,000 रुपए कमाया हमने, तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से अब ये अमाउंट 70,000 सेट असाइड कर दो, अलग रख दो। क्यों रख दो, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना है पार्टनर को। उसके बाद सैलरी, ठीक है जी, सैलरी देनी है हमें सिर्फ सी को, क्योंकि सी ही मेहनत कर रहा है, तो सी को मान लो हम 20,000 रुपए तय करते हैं डीड में, तो ठीक है जितना भी फंड कमाया एक साल मेहनत करके उसमें से 70 तो अलग पहले रख दिया, उसके बाद 20 और अलग कर दो, क्यों, क्योंकि हमें इसकी सैलरी देनी है। इस तरह से हम अमाउंट सेट असाइड करते रहते हैं जिससे के पार्टनर को वो सब चीज दे सके जैसे डीड में हमने लिखा है। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट ये बचता है सेट असाइड करने के बाद, बाकी सारा प्रॉफिट हम पार्टनर्स में उनकी रेशियो में बांट देते हैं। जैसे कि हमारा 4,00,000 में से हमें 90 लेस करेंगे तो भाई 3,10,000 बच गया, तो 3,10,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, अगर रेशियो नहीं होगी तो इक्वली बांट देंगे। अब बात यह है समझने की हमारी कि कभी कभी हम पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन भी देते हैं, या पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी देता है फर्म को यूज करने के लिए और उसका रेंट लेता है,
तो है तो ये भी पार्टनर को ही दिया गया अमाउंट, लेकिन क्या ये पार्टनर को जो अमाउंट दिया गया है ये एप्रोप्रिएशन है? नहीं, ये चार्ज है। इसलिए ये चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेड टू पार्टनर ये कभी भी हम एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि ये क्या है, हमारे चार्ज है फर्म पर, ठीक है। और चार्ज कहां पर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। चार्ज का क्या मतलब है कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो इन चार्जेस को लेस करने के बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो बंटवारा प्रॉफिट का होना है, पहले प्रॉफिट तो निकले, और प्रॉफिट निकालने के लिए सारे चार्जेस लेस होने जरूरी हैं। उसमें जो सैलरी, रेंट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन तो थे ही थे, लेकिन अगर पार्टनर को हम इंटरेस्ट और लोन दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इवन किसी मैनेजर को हमने रखा हुआ है, उस मैनेजर को हम कमीशन देते हैं, जैसे 11th क्लास में आपने किया था, मैनेजर को कमीशन दे रहे थे बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, वही वाला कमीशन। तो ये कमीशन भी क्या है? प्रॉफिट पर चार्ज है, मतलब कि प्रॉफिट निकालने के लिए इसे लेस किया जाएगा, तभी प्रॉफिट आएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि अगर उसने हमें इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर दिया है या मैनेजर कमीशन दिया है क्वेश्चन में, तो या तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उस प्रॉफिट में से उनको लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को, मैनेजर कमीशन को, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जितना प्रॉफिट हमें दिया है उसमें से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया है तो मैनेजर कमीशन हम लेस करेंगे, तब हमारा ये नेट प्रॉफिट बाहर आएगा। मतलब मान लेते हैं कि 5,10,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ था, उसमें से हम 50,000 रुपए किसको दे रहे हैं? अपने पार्टनर को, क्योंकि उसने फर्म की मदद की थी, उसका इंटरेस्ट बनता है। तो उसको इंटरेस्ट को हमें कहां दिखाना चाहिए था? वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन वो तो हम बना नहीं रहे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस 5,10,000 में से 50,000 लेस करते हैं, तो 4,60,000 जो हमारा ये नेट प्रॉफिट अब आएगा। पहले नहीं था, पहले 5-10 प्रॉफिट नहीं था, ये तो एक नॉर्मल प्रॉफिट था। इसमें से अभी एक चीज रह गई थी हमारी 50,000, इसको लेस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, जिसे हम नेट बोलेंगे। अब यही नेट प्रॉफिट का हमको क्या करना है, बंटवारा करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर उसने इंटरेस्ट लोन दिया है या मैनेजर कमीशन दिया है, तो या तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके टेम्परेरली उसमें शो करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ लेके आएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे अंदर ही, और उसमें से हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन लेस करके तो बाहर दिखाएंगे, फिर यहां से हम शुरू करेंगे अपना एप्रोप्रिएशन। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि देखो होता क्या है कि प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दो दिए हो सकते हैं। देखो एक आप ये देख रहे हो, ये प्रॉफिट है कौन सा, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में इस प्रॉफिट में फर्क क्या है? ये जो प्रॉफिट है इसमें से अभी ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हुआ है, ना सैलरी टू पार्टनर लेस हुआ है, ना ही कोई हम कमीशन किसी को देते हैं, कोई रिजर्व बनाते हैं, कुछ भी लेस नहीं हुआ है। इसका मतलब इस प्रॉफिट को बोलेंगे हम बिफोर, या प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये कैसा प्रॉफिट है भाई? ये भी प्रॉफिट है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये सब कुछ लेस करने के बाद आया है, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी टू सी, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन टू जो भी बी, इस तरह से सब कुछ लेस करने के बाद आया है। तो ये जो प्रॉफिट है ये है बिफोर, और ये जो प्रॉफिट है ये है क्या है, आफ्टर। अब होता क्या है कि अगर हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हमको आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अगर वो आफ्टर वाला दे देगा जिसमें से सब कुछ ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो फिर हमें लेस क्या करना है? फिर तो कुछ भी लेस ही नहीं करना है, तो एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे हम? इसलिए अगर क्वेश्चन में उसने हमें दिया है कि प्रॉफिट जो है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो भाई जब सैलरी लेस हो ही गई तो कैसे लेस करेंगे? अब तो लेस नहीं कर सकते, और अगर आप लेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो दो बार लेस हो जाएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी उसमें सैलरी लेस हो चुकी है, और अगर दोबारा सैलरी लेस करेंगे तो दो दो बार लेस हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, उसको बिफोर बनाएंगे। बिफोर कैसे बनाएंगे? जो सैलरी आपने लेस की थी उसको दोबारा उसमें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें बिफोर ही चाहिए, ठीक है। और बिफोर करने के लिए जो चीज लेस हो गई है उसे वापस
जोड़ दो। खैर तो ये बिफोर आएगा, अब उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 10, बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर, ए इज कैपिटल इज रुपीज 1 लाख एंड बी इज कैपिटल इज 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, बी इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ और नेट प्रॉफिट इस फर्म को हुआ है इस साल 80,000। देखो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में ये तय किया है कि बी को तो हम सैलरी जरूर देंगे भाई, कितना 3,000 रुपया पर मंथ, मतलब कि एक साल का 36,000 तो सैलरी देंगे हम, ठीक है। इसके बाद इन्होंने तय किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, कितना कितना होगा जी, बोलता है कि 6% होगा, ठीक है, 6% आपको देना है इंटरेस्ट पर एनम का। कैपिटल ए और बी की है 1,60,000, इसका 6-6% हम निकालते हैं तो 6,000 ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए और 3600 बी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो कुल मिलाकर के 9600 तो फर्म को इन दोनों को इंटरेस्ट देना चाहिए, ठीक है। अब इसका एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे हम, देखो बात यह है कि पिछले जो अकाउंट में, जो इससे पहले अकाउंट बना था प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें आपका नेट प्रॉफिट आया होगा कितना 80,000, बोला जी 80,000 का प्रॉफिट हुआ इस साल, ठीक है। अब यहां से हम शुरू करेंगे अपना एप्रोप्रिएशन, इस प्रॉफिट को हम उठा करके लेके आएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 80,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट हम मानकर चल रहे हैं, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर सैलरी टू बी, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ये बिफोर है तभी तो हमको इन्हें कुछ देना है, अगर पहले से ही लेस हुआ होगा तो हम यहां इन्हें कुछ दे ही नहीं सकते, फिर तो सीधा सीधा बांट देंगे। है क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो बिफोर है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को, ए को देते हैं जी हम 6,000 इंटरेस्ट और बी को देते हैं 3600 रुपया इंटरेस्ट, तो हमने 80,000 का जो इस साल प्रॉफिट हुआ है, इस फर्म ने कमाया है, उसमें से 9600 टोटल इंटरेस्ट के नाम का सेट असाइड कर दिया, अलग रख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बोलता है जी सैलरी भी दो, किसको, बी को, तो सैलरी टू बी कितना दो, 3,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। तो भाई 36,000 रुपया इस प्रॉफिट में से ये भी सेट असाइड कर दिया, मतलब अलग निकाल के रख दिया, तो ये एप्रोप्रिएशन हो गया। अब जो प्रॉफिट बचता है बाकी, क्योंकि बाकी तो डीड में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो अब जो 80,000 में से हमारा बचता है, अब ये कितना बचता है ये देखते हैं, 80 में से हमारा बचता है ये 4, 10, 6, 16, 16 और 4, 20, 5 और आपका ये 4, 44 से 4 आया था, ठीक है, तो यहां पर आया 44,400। इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनके सबके ए के बी के कैपिटल अकाउंट भी बनाए जाएंगे, तो उस कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा और साथ में इन्हें जो इंटरेस्ट मिला है, सैलरी मिला है, वो भी उस कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, तो इसको हम बांट देते हैं। अब बात यह है कि क्वेश्चन में उसने हमें दिया ही नहीं है कि इनकी रेशियो क्या है, जब नहीं दिए तो हम क्या करते हैं, इक्वली बांट देते हैं, तो 22,200 करके ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, फिक्स कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000 रेस्पेक्टिवली, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। देखो क्वेश्चन में ये बोलता है कि जेड को हमने सैलरी दी है, सैलरी टू जेड कितना सैलरी दिया है जी हमने इसको, बोलता है 2,000 पर मंथ का पूरे साल में कितना इसको देना पड़ेगा हमको, 24,000, तो 24,000 तो ये अमाउंट हमें टोटल फंड में से अलग रखना है, सेट असाइड करना है, ठीक है जी। लेकिन ये बोल रहा है ये जो प्रॉफिट हुआ है ना इस साल, आपको यहां जो ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 4 लाख, बोला ये जो प्रॉफिट ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है,
इस प्रॉफिट में से 24,000 हमने पहले ही निकाल दिया है आफ्टर डेबिटिंग। क्या बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड मार्च 18 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। ये जो 4 लाख रुपए प्रॉफिट है इसमें से सैलरी लेस हो चुकी है। डेबिट का मतलब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो सैलरी लिखते थे, आपका डेप्रिसिएशन लिखते थे, वो कहां लिखते थे, डेबिट में। तो प्रॉफिट फिर बाद में घूम कर इधर आता था तो उसमें से डेबिट का लेस हो जाता था। इसका मतलब जो प्रॉफिट आता था वो क्या था, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी डेप्रिसिएशन बैड डेट रेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आफ्टर डेबिटिंग बोल रहा है तो कोई वो लेस हो गया है। तो यहां भी क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है 4 लाख वो आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी है। इसका मतलब 4 लाख में तो सैलरी तो लेस हो गई, लेकिन हमें तो चाहिए कौन सा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो बिफोर है जिसमें से किसी को भी कुछ नहीं बटा, मतलब ये ओरिजिनल प्रॉफिट है, तो उसको हमको जोड़ लेना है। तो यहां हम क्या करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट ये निकालने के लिए जितना प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दिया है आफ्टर डेबिटिंग, इसमें जो चीज लेस की थी वो वापस जोड़ देते हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट था कभी 4,24,000 जिसमें से सैलरी लेस नहीं हुई थी। ठीक है जी, अब ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यहां से हम एप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे, करते हैं जी। बोलता है कि आपको 10% तो इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। ठीक है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो पार्टनर है वो है, बोलता है एक्स वाई और जेड, इनकी कैपिटल है 5 लाख 5 लाख 2.5 लाख, मतलब कि 50,000 एक्स को इंटरेस्ट देना है हमने, 50,000 वाई को और 25,000 जेड को, कुल मिलाकर के 1,25,000 रुपया इंटरेस्ट के नाम का इसमें से निकाल देना है। निकाल दिया जी हमने। अब बोलता है कि सैलरी भी निकालो जेड की। ठीक है, तो सैलरी टू जेड कैसे, 2,000 पर मंथ, मतलब कि 24,000 रुपया हम इसका भी निकाल देते हैं। ठीक है जी, और तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, बाकी से रेशो तो दे दी है कि किस रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। ओके, तो 4,24,000 का एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हुआ था, इसमें से हम 24,000 लेस कर देते हैं तो 4 लाख का प्रॉफिट बचा, उसमें से भी 1,25,000 लेस कर देते हैं इंटरेस्ट का, तो 2,75,000 ये हमारा वो प्रॉफिट बचा जो है आफ्टर डेबिटिंग। इस प्रॉफिट में से आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी, तो ये है आफ्टर, ये था बिफोर, इसी को बांटना है। ये भी क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। बांटो जी, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, किसको, एक्स को वाई को और जेड को, कैसे बांटना है भाई, 2 2 1, प्रॉफिट है हमारा 2,75,000, 5 यूनिट हो रहा है ये प्रॉफिट हमारा टोटल, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 55,000 का 1 यूनिट प्रॉफिट आ रहा है। इसको एक बार 2 से, एक बार 2 से, एक बार 1 से करेंगे तो x का y का z का शेयर निकलाएगा, मतलब x को मिलेगा 1,10,000, y को 1,10,000 और z को 55,000। तो ये एप्रोप्रिएशन काम इस तरह से बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 12। बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 60,000 विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई की सैलरी 2,40,000। अब आगे बोलता है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब बोलता है कि 2,40,000 का इस फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ये जो प्रॉफिट है ये कब है, आफ्टर डेबिटिंग या चार्जिंग वाई की सैलरी। ठीक है, तो भाई Y की सैलरी लेस होने के बाद है ये 2,40,000, इसका इससे पहले कितना प्रॉफिट था, तो ये रियल प्रॉफिट तो है नहीं, उसे निकालने के लिए हम Y की सैलरी दोबारा से इसमें जोड़ देते हैं। बोलता है सैलरी थी 60,000, इसका मतलब असली प्रॉफिट जो था इस फर्म को इस साल 19 में 3 लाख रुपए का हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमारा है नेट प्रॉफिट, लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है, जिस मैनेजर ने यह प्रॉफिट हमें कमा कर दिया था उससे हमारा तय हुआ था कि हम उसको 5% कमीशन देंगे इस प्रॉफिट पर। ठीक है,
तो वो हमने इसमें से भी दिया ही नहीं है। इसका मतलब इस 3 लाख रुपए में से मैनेजर का कमीशन भी लेस होना चाहिए। इसका मतलब तब ये 2,85,000 प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है रियल। इससे हम शुरू करेंगे अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो अब बात यह है कि जो मैनेजर का कमीशन है ये कहां आना चाहिए? ये तो आना चाहिए प्रॉफिट अकाउंट में, क्योंकि मैनेजर का कमीशन वो कभी भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो क्या है, आपका चार्ज है। इसलिए इस कमीशन को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएं, मैनेजर कमीशन कितना 15,000 जो उसको हमें देना है, और बाकी 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना हमको, उसमें से 15,000 काट लिया हमने, बाकी है ये हमारा नेट प्रॉफिट 2,85,000। और इस प्रॉफिट को हम यहां पर लेके आए बाई नेट प्रॉफिट 2,85,000। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक काम कर सकते हैं कि इसको हम ना बना करके सीधा यहां पर दिखाएं। क्या दिखाएं कि देखो हमारा असली प्रॉफिट हुआ था 2,40,000 का, इसमें हम 60,000 जो वाई को सैलरी दिया था वो जोड़ देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया जी, 3 लाख हो गया। अब इसमें से मैनेजर कमीशन लेस कर देते हैं, कितना, 5% ऑफ 3 लाख जो कि है 15,000, इसे लेस करने के बाद कितना आने वाला है 2,85,000। तो फिर इसको ना दिखा करके नेट प्रॉफिट हम इस तरह दिखा सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हो। खैर, तो पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, इसके बाद हम शुरू करेंगे एप्रोप्रिएशन। तो यहां पर देंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर थे हमारे यहां पर एक्स और वाई, इन्हें हमें देना है कितना परसेंट, 5% कमीशन। तो 8 लाख 6 लाख कैपिटल है, 5% जो इनका बनेगा पर एनम के हिसाब से, एक्स का 40,000 और इसका 30,000, तो 70,000 रुपए तो इस टोटल प्रॉफिट में से हमको अलग निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसके बाद हम देते हैं सैलरी, किसको, वाई को, जब तय हुई थी सैलरी टू वाई कितना हुआ था तय, 60,000, वो दे दिया जी हमने। अब जो प्रॉफिट है उसमें से दोनों चीजें लेस करके प्रॉफिट को बांट देते हैं इनके रेशियो में, 2,85,000। इसमें से लेस करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1,55,000। इस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, इनकी रेशियो है क्वेश्चन में जो दी है 3:2। इसका मतलब 1,55,000 को डिवाइड बाई 5 करते हैं तो 5×3=15,000 आ जाता है। इसका मतलब 93,000 हम देंगे एक्स को इसमें से और 62,000 देंगे हम वाई को। कैसे, एक बार इसको 3 से करेंगे, एक बार 2 से करेंगे, तो एक्स और वाई का शेयर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।